सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, वेलकम टू माई चैनल जस टेलर्स। अज वाली वीडियो आपां कमीज़ नूं पाइपिंग लावांगे जी। पाइपिंग कई तरीके नाल लग जांदी है, पर जिहड़ा तरीका अज मैं तुहाडे नाल शेयर करन लगी हाँ बहुत ही ईजी है, तो इहदे नाल बहुत ही सफाई नाल पाइपिंग लगती है, किसी पासे कोई वाद घाट नहीं हुंदी। चलो जी आपां वीडियो स्टार्ट करते हैं। सारिआं तों पहलां आपां ने की करना, जिन्ना आपां नूं घेरा चाहिए कमीज़ का उहदी मार्किंग कर लैनी है दोनों साइड ते। ये मार्किंग बहुत जरूरी है क्योंकि पाइपिंग आपां इहदे नाल नाल लाउणी हुंदी है। जे आपां इह मार्किंग ना कीती होवे तां मल्लो मल्ली इधर उधर हो जाती है, इस करके जिहड़ी आह वाली लाइन आ इह मारनी जरूरी है। ये आपां किवें मारनी है, जिन्ना आपां नूं घेरा चाहिए हुंदा इस तरीके कमीज़ का सेंटर करके दोनों साइडां तों हाफ हाफ लै के टोटल जिन्ना आपां नूं घेरा चाहिए उहदा हाफ कर लैणा इत्थों इधर नूं ते इत्थों ही दूसरी साइड नूं। ये अपना टोटल घेरा बन जूगा। जिन्ना ये रेडी घेरा अपना उन्ना रख के आपां ने हिप वाली साइड नूं लाइना ला लैनिया ने दोने पासे। तो जिहड़ा आह वाला कपड़ा आपां 2-2 इंच एक्सट्रा छड्डदे हुंने आ इहदे नाल आपां पाइपिंग अटैच करांगे। चलो जी हुण आपां पाइपिंग लाउणी स्टार्ट करदे आ। वीडियो चंगी लगे तो चैनल नूं लाइक शेयर ते सबसक्राइब कर दिओ जी। बहुत ही सौखा तरीका अज वाली वीडियो आपां शेयर करांगे। चलो आपां हुण पाइपिंग लाइए। पाइपिंग लाने लई आपां कमीज़ की उल्टी साइड आ जिहड़ी वह उपरले पासे कर लैनी आ। इधरले पासे आपां ने मार्किंग कीती सी, ये तो दूजे वाले पासे वाली साइड आ जिहड़ी उल्टी आ वो वाले पासे आपां पाइपिंग लावांगे। पाइपिंग लैके तुसीं कॉर्नर ते इस तरीके रखनी आ, उल्टी साइड नूं कॉर्नर ते पाइपिंग इस तरीके रखनी आ। जिहड़ा थ्रैड वाला पासा ये कपड़े वाली साइड होवे, जिहड़ा एक्सट्रा कपड़ा ये बाहर वाली साइड होवे। हुण आपां सिंगल फुट नाल इहदे नाल नाल सिलाई ला देनी आ। इस तरीके आपां ये पाइपिंग रख ली आ, उल्टी वाली साइड कपड़े दे उपर करके थ्रैड वाला पासा अंदरली साइड, कपड़े वाला पासा बाहरली साइड। ये इन्ने एरिए च ही रखना, कोई इन्ना ज़्यादा दूर नहीं करना, तो ना ही इस तरीके रखना कि जिहड़ी पाइपिंग आ वह कपड़े तो हेठां जाए। बिल्कुल आ कपड़ा तो कमीज़ वाला कपड़ा दोनों नूं बराबर रख के इधर नूं आपां तकरीबन 1.25 इंच वधावांगे, क्योंकि जदों तरपाई करनी आ तो वह चीज़ अंदर फोल्ड होकर सफाई आ जाती है। हुण आपां इहदे नाल नाल आह वाले थ्रैड दे नाल नाल सिलाई ला लांगे। ये सारी सिलाई आपां उपर हिप तक लैके जानी है ला के। जिथे तक अपने चाक बनते हैं कमीज़ के, जिथों तक आपने कमीज़ की फिटिंग पाई हुई है वो तो थोड़ा जहा 1-2 पॉइंट उपर तक आप सिलाई लावांगे। ये इतने तक आप सिलाई ला के एक्सट्रा पाइपिंग कट लाँगे। देखो जी ये अपनी पाइपिंग लग गई। हुण आपां इहनूं सीधे वाले पासे फोल्ड करना। आह अपना सीधा पासा सी कमीज़ का, जिधर आपां ने लाइन लाई सी उधर नूं आपां एक फोल्ड कर लेना। इहदा इस तरीके एक फोल्ड कर लिया, इहदे नाल ही सेम तरीके आपां ने दूसरा फोल्ड कर लेना। ये जिहड़ा दूसरा फोल्ड आ ये आपां लैके आउणा जिहड़ी आपां ने आह सिलाई लाई सी इहदे तक लैके आउणा इस तरीके। फिर आपां इहदे उपर दी पाइपिंग दे नाल नाल दी सिलाई ला देंगे। ये फुट दे अकॉर्डिंग तुसीं किसे पासे तो भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि फुट दा साइज़ 2 अलग हुंदे आ। किसी मशीन ते राइट साइड वाला सैट आउंदा, किसी मशीन ते लैफ्ट साइड वाला सैट आउंदा, पर सही दोनों ही आ जाते हैं। इस तरीके आपां डबल फोल्ड कर लिया। हुण आपां फिर सिलाई ला देंगे नाल नाल। इतों तुसीं ध्यान रखना कि जिहड़ा आपां दूसरा डबल फोल्ड किया जे कपड़ा थोड़ा ज़्यादा भी है तो कोई इशू नहीं हैगा, वह विच ही सैटिंग हो जानी है। जिहड़ी आ पाइपिंग आ ये चक के आपां सिलाई दे नाल रखनी है। आपां ये नहीं देखना कि अपना पहला वाला फोल्ड आ जिहड़ा वह छोटा सी ते जिहड़ा दूसरा फोल्ड, इस तरीके एक बार फोल्ड करके जिहड़ा आपां दूसरा फोल्ड कर रहे हैं वह वड्डा आ रहा, वह कोई प्रॉब्लम नहीं, वह विच ही सैट हो जाना। पर आ पाइपिंग तुसीं आ लाइन जिहड़ी आपां ने लाई सी इहदे नाल ही रखनी है।
ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੱਕ। लो जी हुण आपां पाइपिंग दी लुक देखदे हां किवें दी आई है। इस तरीके तैयार हो जाती है। नीचे वाली साइड आपां तरपाई कर देंगे ते तुसीं देख सकते हो किन्नी सफाई नाल अपनी पाइपिंग लगी है। किसे पासे भी जिहड़ी पाइपिंग है वो ज़्यादा नहीं बाहर नूं आई, किसे पासों घट नहीं रही। तो बहुत ही सौखा तरीका, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਾਈਪਿੰਗ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਘੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਪਾਈਪਿੰਗ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋਊਗੀ। ਥੈਂਕਸ ਫਾਰ ਵਾਚਿੰਗ।